सूरत में आरटी हेठळ विद्यार्थियों ने प्रवेश न मळता वालीओ में नाराजगी। टुमस की खाटीवाला स्कूल मनमानी करती होवानो आक्षेप। 17 विद्यार्थियों ने प्रवेश न मळता वालीओ जिला शिक्षण अधिकारी ने आप्यु आवेदन पत्र। जामनगर में त्रीजा स्मशान ने पालिकाए कार्यरत न करता कांग्रेस ना धरना। देवशी आहिर त्रण दिवस धरना पर कांग्रेस नेता विक्रम माडमे पर कर्यु समर्थन, शासकों पर कर्या सवाल। जामनगर कालावड़ ग्राम्य पीएसआई मुद्दा माल की कार नो उपयोग करता पीएसआई संदीप राधड़िया अने हेड राइटर ने कराया सस्पेंड। वीडियो ना आधारे एसपी श्वेता श्रीमाड़ी कड़क पगड़। सुरेन्द्रनगर नगरपालिका सफाई कामदारों ने काढ़ी केन्डल मार्च। वढ़वाड़ा धारासभ्य धनजी पटेल घर सुधी केन्डल मार्च काढ़ी करी रजूआत। दसाड़ा कांग्रेस एमएलए नौशाद सोलंकी जोड़ाया। पीएम मोदी ने पड़त प्रश्नों की रजूआत करतु मोटू पोस्टकार्ड पण आप्यु। अमरेली राजूला में मेडिकल वेस्ट कचरा मळ्यो जत्थो। छतड़िया रोड पर जाहिर मार्ग पर वेस्ट कचरो कोई फेंकी गयो होवाथी लोकोना आरोग्य सामे छेड़छाड़ भय। सूरत कांठा विस्तार रहीशोए मैदान बचावा अनोखी रीते आप्यु आवेदन पत्र। कांठा विस्तार लोकोए गामडाओं रमत गमत मैदान बचावा माटे रस्तार पर रमता रमता आप्यु आवेदन। मेहसाणा विजापुर में सात पगला खेडूत कल्याण अंतर्गत खेडूत सम्मेलन योजायु। पीएम जन्मदिन निमित्ते तेलचित्रनु लोकार्पण, 70 पुस्तकों अर्पण। आ प्रसंगे नायब मुख्यप्रधान नीतिन पटेल रहा उपस्थित। भरूचना लीमड़ी चौक विस्तार में मोबाइल टावर ने लेने स्थानिक महिलाओं विरोध। महिलाओं कलेक्टर कचेरी जाइने कर्या सूत्रोच्चार। लॉकडाउन ने कारण पाकिस्तान में 6 महीना की फसायेला 40 लोग भारत फर्या पाछा। अमदावाद युवान और व्यवसाय चार्टर्ड एकाउंटंट अविनाश मार्च महीना में परणवा पाकिस्तान गया था, परंतु तेमना लग्न थया बाद तुरंत ज लॉकडाउन लागू थयु, जेने कारण तेओ माता साथे पाकिस्तान में रोकावा गया। ऊंझा एपीएमसी में सीसना नाणानी उचापत मुद्दों। राज्य एपीएमसी नियामके आप्या घटना की तपासना आदेश। मेहसाणा जिला रजिस्ट्रार ने सौंपी तपास। क्राइम ब्रांचे 1 करोड़ एमटी ड्रग्स मामले मुख्य आरोपी की गोवा की करी धरपकड़। अफाक बाबा मुंबई ड्रग्स माफिया रिया चक्रवर्ती केस में संडोवणी होवानी शक्यता। खेड़ा जिला पंचायत पूर्व प्रमुख और हाल भाजपा अग्रणी मुकेश शुक्ल घर पर हुमलो। अजाणा शख्सों गाड़ियों कांच फोड़ी कर पत्थरमारों। घटना सीसीटीवी में कैद। अमरेली जाफराबाद पुल नजीक बे मृत बाढ़ नवजात मड़ी आया। श्वानोए फाड़ी खाधा होवानु अनुमान। पुलिस हाथ धरी तपास। राजूला संबठियाड़ा बंधारा में 4 युवकों तणाया। 2ना मृत्यु 2ने बचावाया। वडोदरा तेनतलाव गाम पर पसार थती नर्मदा माइनर केनाल में मळ्यो युवक मृतदेह। केनाल में पग लपसता अमदावाद अनिल नाम युवक डूब्यो। शोधखोळ बाद फायर विभाग ने हाथ लाग्यो मृतदेह। तापी व्यारा सरितानगर में 41 वर्षीय शिक्षक आपघात। पत्नी अनैतिक संबंधों ने कारण शिक्षके हाथ की नस कापी फांसो खाधो। पुलिस प्रेमी सामे नोंधो गुनो। वडोदरा धुमाड़ गाम की सीमा अजाण्या शख्स मृतदेह। शरीर पर 8-10 तीक्ष्ण हथियार मळ्या घाना निशान। तालुका पुलिस और एलसीबीए शुरू करी तपास। आणंद बोरसद में बंदूक की अणीए लूंट की घटना। गैस एजेंसी केशियर ने रस्ता वच्चे रोकी 2.80 लाख की रोकड़ रकम ले लूंटारो फरार। बोरसद टाउन पुलिस हाथ धरी तपास। वलसाड नजीक कार चालक ने मार मारी लूंट की घटना। पुलिस मोबाइल ट्रेसिंग ने आधार सूरत कामरेज में 4 आरोपी की करी धरपकड़। संबंधी ने त्यां जवाब माटे कार करी हती लूंट। अमरेली बगसरा में तांत्रिक विधि बहाने 24.80 लाख की छेतरपिंडी मामलो। अमरेली एलसीबीए छेतरपिंडी आचरना टोळकी ने पकड़ी। 15.68 लाख मुद्दामाल कर्यो कब्जे। वडोदरा डभोईनी बालाजी बैंक पूर्व मैनेजरे करी छेतरपिंडी। पूर्व मैनेजर चेतन राठवाए होद्दा दुरुपयोग कर 5,60,000 की छेतरपिंडी करी। पुलिस करी धरपकड़। वडोदरा हाउसिंग बोर्ड में मकान आपवानी लालच आपी ठगाय करतो शख्स झड़पायो। दीपक लल्लू मिस्त्री अनेक लोगों पास थी लाखों रूपया खंखेरिया। 4 महीना थी छुपाते फरतो हतो आरोपी। भरूचनी पानोली जीआईडीसी की इंजाल केमिकल कंपनी में केमिकल घरेलू ड्रम फाटता लागी आग। फायर विभागे आग पर मेळव्यो काबू।
ત્રેપના ઓઠા હેઠળ ગુજરાત લવાતો 60 લાખનો દારૂ ઝડપાયો. હરિયાણાથી ગુજરાત લવાતો હતો દારૂ. આબુ રોડ પોલીસે બાતમીના આધારે કરી કાર્યવાહી. લોખંડના ભંગાર નીચે ટ્રકમાં ચોરખાનામાં રખાયો હતો દારૂ. પોલીસે ડ્રાઈવરની કરી ધરપકડ. સુરેન્દ્રનગરના લખતર હાઈવે પર કારમાં અચાનક લાગી આગ. સ્થાનિકો કારમાં સવાર લોકોને બહાર કાઢી આગને લીધી કાબૂમાં. મહેસાણા લાઠી બજારમાં ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગના દરોડા. ભેળસેળ કરીને ઘી બનાવતી ફેક્ટરીમાં કરી કાર્યવાહી. ફેક્ટરીમાંથી ઘીના સેમ્પલ લઈને તપાસ માટે મોકલાયા. વસ્ત્રાપુર રિલાયન્સના ટાવરમાં રેક્ટિફાયર ચોરનાર શખ્સ ઝડપાયો. જીઓના ટાવરનું નેટવર્ક અચાનક ગુલ થતા પોલીસ અને અધિકારીઓ થયા દોડતા. પોકેટ કોપની મદદથી આખરે આરોપી આશીષ પટેલ ઝડપાયો. આરોપીની લાખોના મુદ્દામાં સાથે ધરપકડ. ટુઆ નજીક પેટ્રોલ પંપમાં ચોરી. પેટ્રોલ પંપની ડ્રોવરનું લોક તોડી 1.5 લાખની મત્તા ચોરી ચોર કરીને ફરાર. જોકે સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ. ગાંગણપુર પોલીસે હાથ ધરી તપાસ. ગીર સોમનાથના વેરાવળના રામપરા ગામમાં રાત્રે સિંહ બજારમાં ઘૂસ્યો. ગાયનું કર્યું મારણ. સોમનાથમાં ભાદરવી અમાસના દિવસે ભાવિકોએ પવિત્ર ત્રિવેણી સંગમમાં સ્નાન કરી કર્યું પિતૃ તર્પણ. જોકે કોરોનાને કારણે ભાવિકોની પાંખી હાજરી.